ये है हमारा लीवर इसका, जो कि कंट्रोल करता है हमारे पैनाट्रॉनिक को। तो यहाँ से मैं जैसे लीवर मूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये भी मूव करता है। सो हे यो गाइस, तो कैसे हो आप लोग, आपसे एक फिर से स्वागत करता हूँ मेरे एक और नए मॉडिफिकेशन वीडियो में। और आज हम अपनी बाइक में लगाने जा रहे हैं वेल्ट्रॉनिक। और यार बहुत ही ज़्यादा अपडेट वीडियो थी ये वाली। अब वेट करते हैं ख़त्म। आज हम लगाने वाले हैं अपनी बाइक में वेल्ट्रॉनिक एग्जॉस्ट। और जिनको नहीं पता है वेल्ट्रॉनिक क्या होता है, उससे क्या होता है कि उससे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है कि हमें बाइक से साउंड चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे कि हम बाइक में एग्जॉस्ट लगाते हैं कस्टम वाला, उससे क्या होता है कि बहुत नॉइस पोल्यूशन होता है। कभी हमें साउंड चाहिए होता है, कभी नहीं चाहिए होता है, ताकि हम किसी ऐसे एरिया में जब जा रहे हों जहाँ पे हमें साउंड बहुत ही कम रखना हो और बाइक को लाउड भी नहीं दिखानी हो, उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि हम उस साउंड को बंद कर सकें उस वेल्वोट्रॉनिक एग्जॉस्ट के कारण। अब चलते हैं, आपको आगे दिखाता हूँ मैं कि कैसे क्या दिखता है ये वेल्ट्रॉनिक एग्जॉस्ट और मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ इस एग्जॉस्ट को बनाने के लिए। इस पार्ट को हम यूज़ करने वाले हैं हमारे वेल्ट्रॉनिक एग्जॉस्ट को बनाने के लिए। तो कुछ लोगों को तो ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है। जी हाँ, ये कार्बोरेटर है एक कार का, और ये एक टाटा कार का है, आई थिंक इंडिका वगैरह का ही होगा ये, और टाटा का है तो इससे हो सकता है कि हमारी बाइक की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए। अगर आप लोग को एक बार सिंपली मैं समझाऊं कि ये क्या होने वाला है आज के ब्लॉग में, तो ये है हमारा बैंड पाइप MT15B2 का। इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से कट लगाएंगे और कट के बीच में हमारा ये जो वेल्ट्रॉनिक हमने बना रहे हैं उसको ला के यहाँ पे फिट करेंगे। ये कुछ ऐसा लग जाएगा यहाँ पे, जिससे बेसिकली क्या होगा कि एयर फ्लो जो रहेगा वो यहाँ से, अगर मैं फ़ोन की टॉर्च से दिखाऊँ आपको, यहाँ पे आप अभी देखेंगे ये पूरा क्लोज्ड है और लाइट पास नहीं हो रही है, वैसे ही एयर भी पास नहीं होगी। और जैसे जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ से लाइट पास हो रही है, वैसे ही एयर पास होगी और हमारा जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा कम भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है। मतलब कि ये फ्री फ्लो भी कर सकता है इस एग्जॉस्ट को और इसमें बैक प्रेशर भी क्रिएट कर सकता है। इसके लिए हमारे पास एक सेफ्टी भी फीचर है कि आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक होल है और एक यहाँ पर भी होल है। ये वाला जो होल है, मतलब कि ये आपको इधर से दिखाता हूँ, ये वाला जो है जहाँ पे ये बंद होने का पॉइंट बनाया है, जहाँ पे ये वाल्व है, तो यहाँ से एयर पास होके यहाँ पे भी जा सकती है। जब हम इसको पूरा बंद कर देंगे तब की बात बता रहा हूँ मैं, ताकि ये पूरा क्लोज ना हो। गाइस यार, आप लोग को एक चीज़ तो मैं बताने ही भूल गया कि हम इसको कंट्रोल करेंगे कैसे। इसका मैं कंट्रोलिंग का आपको बताता हूँ। आप जहाँ आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक नॉब बना हुआ है जो कि घूमता है, तो इसका वाल्व ओपन होता है और क्लोज होता है। उसके लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है, जो कि आपने जैसे FZ देखी होगी, FZ जो कि पहले आती थी कार्बोरेटर वाली, तो उसमें क्या ऑप्शन आता था, जो हमारा स्विच बोर्ड रहता है, स्विच क्लस्टर जो भी बोलते होंगे, तो उसमें ही हमें चोक का ऑप्शन दिख जाता है। उसमें क्या होगा कि जब भी हम चोक ओपन करेंगे तो इसका जो वाल्व है वो ओपन और क्लोज होगा। एक बहुत ही छोटा सा मतलब एक आइडिया है, वो लगा के देखते हैं, अगर हो पाया वो सक्सेसफुल तो यार मज़ा ही आ जाने वाला है। हमारे वेल्ट्रॉनिक का कंट्रोल यूनिट तैयार है और ये जो केबल है ये मैंने पूरी चेंज करके हमारी MT15 का जो स्विचेस है उसकी निकाल के इस वाले में लगाई हैं, ताकि हम इसके चोक के फंक्शन को यूज़ कर सकें एज अ कंट्रोलर। मतलब हमारे ये जो वायर है ये इस चोक की लीवर से कंट्रोल होगी, ताकि हमारे जो वेल्ट्रॉनिक है वो कंट्रोल हो पाए। और थोड़ा हाथ गंदे हो गए हैं तो उसको आप थोड़ा इग्नोर करिएगा। बाकी इसको लेते हैं और इंस्टॉल करते हैं हमारी बाइक में और आगे बात करते हैं। अभी हमने इंस्टॉल कर दिया इसमें एग्जॉस्ट की बैंड पाइप और आफ्टर मार्केट वाली, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है किया जाएगा, उसको फ़िलहाल मैंने अभी ज़िप्लाई कर दिया ताकि हम इसको ओपन करके रख सकें। अब बस दिक्कत ये है कि हम इसे किस एंगल में लगाएं जो यहाँ पे फिट हो सके। अभी हमने ले लिए इसके लिए मार्किंग्स यहाँ पे। अब बेसिकली क्या होगा, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट भी इसे कट जाएगा और ये फिट हो जाएगा यहाँ पे कुछ ऐसे, कुछ यहाँ पे ऐसे फिट हो जाएगा, और जो कि अगर आप जहाँ फिट करेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा यहाँ पे। इसको और जो बाकी पार्ट्स हैं उसको लेके चलते हैं हम वेल्डिंग शॉप में और काम करवाते हैं आगे का।
फाइनल बॉयस, हमारा लगभग काम कंप्लीट हो गया है और हमने ये वेल्ड करवा लिए हैं। बाकी इसको अभी क्लीनिंग करेंगे अपने ग्राइंडर वगैरह से। बाकी तो देखेंगे कि ये मैंने अभी फ़िलहाल लेप से और ग्राइंड करवा के लाया हूँ ताकि हम इसको इसके अंदर आसानी से फिट कर सकें। तो ये आसानी से यहाँ पर फिट हो जाएगा और कुछ नट बोल्ट भी ले आए हैं ताकि यहाँ से ऐसे और इधर पे तो ये आसानी से हो जाए। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से सील हो जाएँ ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से सील हो जाएँ। तो इसलिए मैंने एक एनाबॉन्ड ले आया हूँ। एनाबॉन्ड नाम से आता है, गैस्केट मेकर है, ताकि इसके जो बीच में गैस रहेंगे वो अच्छे से फिल हो जाएँ और कहीं से भी एयर लीक ना करे। 4 to 6 days later एक बुरी खबर बतानी आप लोग को। जितना अपन सोच के चल रहे थे वैसा कुछ चल नहीं रहा है। और एक्चुअली मैंने अभी अभी क्या किया कि FZ का मतलब अभी जो आप लास्ट क्लिप देख रहे हो उसके 4 दिन बाद की ये वीडियो है। और जो मैंने FZ का स्विच लगाया था तो उसमें एक दिक्कत आ गई क्योंकि उसकी वायर जो चोक वाली है वो नीचे से निकलती है और हमारे MT में इतनी जगह नहीं है। सो वो वायर टैंकी में अटकती, सो उसको हमें हटाना पड़ा। तो अब क्या कर रहे हैं, अब कुछ नया करेंगे और वो वाले जो स्विच गियर मैंने बनाया था वापस से मुझे वैसे ही करना पड़ेगा जैसे अपना नॉर्मल MT का था। तो अब क्या कर रहे हैं मैंने एक जुगाड़ बनाया हूँ। तो ये पहले जो गियर वाली साइकिल आती थी तो उसका ये गियर शिफ्टर है, सो इसी को अब लगाएंगे हम अपनी बाइक में और देखते हैं क्या कैसे होने वाला है। सो चोक वाली जो वायर मैं यूज़ कर रहा था वो वायर तो वही यूज़ होगी। तो आगे चलते हैं। बाकी इसको मतलब मैंने थोड़ा ट्राई किया था इसको बनाने के लिए थोड़ा सा कट वगैरह करके, सो वो तो ठीक से हुआ नहीं, पर इसी को हम यूज़ करेंगे आगे भी। तो इसको करते हैं इंस्टॉल अपनी बाइक पे और कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो फाइनली बॉयस सब कुछ कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे मैंने एक एडजस्टमेंट के लिए भी स्क्रू लगा दिया हूँ और यहाँ पे भी कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं इसमें और एक यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया हूँ ताकि ये यहाँ से निकले नहीं। तो होपफुली अब कोई दिक्कत ना आए और मैं इसको अब इजीली इंस्टॉल कर लूँ अपनी बाइक पर। तो चलते हैं बाइक के पास और देखते हैं क्या कैसा होता है। फाइनली हमने इसमें वेल्ट्रॉनिक इंस्टॉल कर दिए। तो ये हमारा लीवर रहेगा यहाँ पे जो कि इसको कंट्रोल करेगा वहाँ देखा, और फिलहाल सूर्यांश भी आ रखा था भाई बंदा काम पे आया था तो काम बिगाड़ने आ जाता है बस वहाँ देखा तो ये कुछ ऐसा वर्क कर रहा है, ये यहाँ से घुमाता है यहाँ से वर्क करता है भाई, बहुत ही ज़्यादा सटीक काम कर रहा है ये। तो अब बस एग्जॉस्ट को इंस्टॉल करते हैं, इसको थोड़ा क्लीन करते हैं मतलब कि अच्छे से क्लीनली इसको कवर कर देते हैं। ये भी वायर निकल रही है, इसको भी अच्छे से काट दें जो भी मतलब एक्स्ट्रा है और फिर कहीं चलना है भाई, चलना डुमना तो इसको कवर करते हैं, सब कुछ कंप्लीट करते हैं। तो गाइस मोमेंट ऑफ ट्रुथ, सो ये नेक्स्ट डे है और बंदे ने लेट नहीं किया होता ना थोड़ा हम दिन में आ जाते हैं, मतलब थोड़ी जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, बाइक धुलाने नहीं गया हूँ, घर से खुद साफ करके आया हूँ। सो व्हाट तो भाई मैं भी खुद अपनी गाड़ी खुद से धोता हूँ और इसकी बाइक देखो यार, वो तो इसका तो हम दिखाते रहेंगे लेकिन ये देखो, हाँ ये तो चलता रहेगा, ये तो अपने घर का है, ये देखो यार भाई क्या सेक्सेस लग रही है यार बाइक, गंदी गंदी बात करेगा कोई। तो यार इसका व्लॉग ये सब तो इसके चैनल पे मिलेगा जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो, तो हम वो शोकेस करते हैं। तो हमारी बाइक में आके लग चुका है वाल्ट्रॉनिक,
जो कि आप ये देख सकते हो। तो अभी थोड़ा क्लीन नहीं दिख रहा है, अभी पेंट वगैरह होगा। तो इसने अभी अभी वहां से लीवर घुमाया तो यहाँ पे जाके मूव किया। तो इसकी वर्किंग कुछ ऐसी रहेगी कि यहाँ से ये घूमता है और अंदर जो वाल्व है वो ओपन और क्लोज होता है ताकि इसमें जो एयर निकलती है यहाँ से उसको हम कंट्रोल कर सकें। सो इसमें अभी यहाँ पे भी मतलब कि जितना बैक प्रेशर कम रहेगा उतनी कम आवाज निकलेगी। सो इसकी थ्योरी यही है। तो बस दिक्कत इसमें यही है कि इसको हम हमेशा यूज नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या है कि ये जो हमारा नॉर्मल बैंड पे पा रहा है उसकी ही एयर को रोक रहा है। तो ये इंजन के लिए तो अच्छा नहीं है, बाकी कुछ सिनेरियो में काम आ सकता है क्योंकि पता है आप लोग का एग्जॉस्ट लीगल नहीं है और जहाँ पकड़ा जाए तभी बस यूज़ करो। तो आपको मैं अगर समझाऊँ कि ये कैसे क्या वर्क करता है, तो मैंने यहाँ पे एक लीवर लगाया हूँ जिसको मैंने आपको बैक टू पॉइंट। और ये है हमारा लीवर इसका जो कि कंट्रोल करता है हमारे वाल्वट्रॉनिक को। सो यहाँ से मैं जैसे लीवर मूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये भी मूव करता है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि इसमें V2 में जो यहाँ पे तेरे 550 रुपये 570 रुपये वेस्ट हो गए। हाँ भाई सॉरी प्रवीण। सो जो FZ की यहाँ पे स्विचेस आते हैं वो मैंने इसमें लगाने का ट्राई किया था जिसमें यहाँ पे चोक रहता है। सो मैंने सोचा था कि बहुत ही ज़्यादा मतलब सिंपल रहेगा जब यहाँ पे चोक के एक लीवर से ही हमारा जो वाल्वट्रॉनिक है वो कंट्रोल होगा, तो वो तो हो नहीं पाया। बाकी ये भी ठीक ही है। मैं तो पुलिस को बताऊँगा फिर अंकल बोलूँगा अंकल जाने दो ना घर की बात है। अंकल 100-200 ज़्यादा ले लो या छोड़ दो फिर इसकी गाड़ी में घर ले जाऊँगा। तो और तेरी पुलिस। सो गाइस तो फिर इसमें जो बीच में वाल्व क्लोज होता है तो उसमें मैंने बहुत सारे होल्स कर दिए हैं, मतलब बहुत सारे इतने एक दो ही किए हैं ताकि एयर फ्लो जो है बंद करने के बाद भी बना रहे, तो ताकि इंजन बंद भी ना हो। और पीछे आप देखेंगे सो इसमें यहाँ पे जो मैं इंस्टॉल कर रहा था तब मैंने आपको बताया होगा कि इधर पे भी होल्स हैं ताकि जो एयर फ्लो है उसको रिस्ट्रिक्ट ना करे। सो अभी बताता हूँ आप लोग को कि हमारा एग्जॉस्ट साउंड कैसा कर रहा है। तो शुभम भाई बाइक ऑन करेंगे, पहले न्यूट्रल कर लें सर। अभी ये पूरा ओपन है और थ्रॉटल दे जरा। काफ़ी लाउड है ना। तो अब करते हैं हमारे वाल्वट्रॉनिक को ऑन। फ्रेंड लास्ट नाइट तो ऐसे कुछ था यहाँ तक के। बाकी आप लोग को अच्छा लगा हो और ब्लॉग पसंद आया हो या फिर ये जितना भी चीज़ हमने की है वो सब अच्छी लगी हो तो जाके नीचे लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छा सा कमेंट कर देना। सब्सक्राइबर ना नाम चेंज होने वाले कुछ दिनों में, तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो ताकि इसका जब नाम चेंज हो तो मैं आप लोग को अपडेट दे सकूँ। और बाकी फीचर वाइज ये कैसा लगा तो आप लोगों को बता देना। बाकी इसके नेक्स्ट में पता चला सबसे पहले पुलिस ही देख रही है। सो इसके नेक्स्ट में जो व्लॉग आने वाला है वो अपने क्रूज कंट्रोल का है। सो उसके लिए भी वेट करना क्योंकि इसको भी थोड़ा हम अपग्रेड करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा आप लोग को सिंपल लगेगा लगाने इंस्टॉल करने के लिए अपनी बाइक में, बट थोड़ा डेंजरस है ये, तो उसके बारे में मैं आगे समझाऊंगा।